नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या जहां लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं उत्तर कोरिया और अंटार्कटिक दो ऐसे देश हैं जहां तक अभी कोरोना नहीं पहुंच पाया है। अमेरिका में अभी तक 5110, इटली में 13155, स्पेन में 9387 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 2094 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं, 174 ठीक भी हुए हैं, 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 328 नए मामले कोरोना पीड़ितों के आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और कोरोना पीड़ितों की सुरक्षा और बचाव के उपाय तेज करने को कहा है। उधर महाराष्ट्र में अभी तक 338, केरल में 265, तमिलनाडु में 234, राजस्थान में 129 और उत्तर प्रदेश में 117 तथा दिल्ली में 152 मामले कोरोना पीड़ितों के पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के जिलाधिकारी को हटाने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हटा दिया है। नए चिकित्सा अधिकारी एपी चतुर्वेदी को चार्ज दिया गया है। नोएडा के कमिश्नर सड़कों पर उतर आए हैं लॉकडाउन की व्यवस्था को संभालने के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नोएडा में कोरोना पीड़ित केस सामने आए हैं। प्रशासन पूरी तरह से कोरोना पीड़ितों के बचाव और सुरक्षा के उपाय में जुट गया है। इधर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान दादरी कोतवाली के राजा बिहार कॉलोनी के शिव मंदिर में चोरों ने दान पात्र से 10,000 की चोरी की है। चोरों ने शिव मंदिर का ताला तोड़कर तिजोरी से चोरी की है। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। आप देख रहे हैं आगे के चित्रों में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए चोरों की करतूत। यह लाइव चोरी की घटना दादरी के शिव मंदिर में हुई है। राव नवमी के दिन दोपहर का दृश्य है। यह आप देख सकते हैं किस तरह चोर चोरी कर मंदिर का दान पात्र तोड़कर उससे हजारों की नकदी ले जा रहे हैं। एडवोकेट देवेंद्र चौधरी ने बताया कि कई बार मंदिर में चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि चोर चोरी करते हुए लाइव कैद हुए कैमरे में पुलिस पड़ताल कर रही है और मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। मंदिर में यह लाइव चोरी की घटना, किस तरह से चोर मंदिर की तिजोरी को तोड़ करके अपने एक साथी के सहयोग से हजारों की नकदी लेकर चंपक हो रहा है। यह लाइव वीडियो दादरी के राजा बिहार कॉलोनी के शिव मंदिर का गुरुवार की दोपहर का है। मंदिर के संचालकों ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस को उपलब्ध करा दी है। पुलिस इन साथी चोरों की तलाश कर रही है। आप देख रहे हैं किस तरह यह चोर मंदिर की तिजोरी को तोड़ रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली के मैचा गांव में स्थित शराब के ठेके को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर रात के समय ठेके का शटर तोड़कर लाखों रुपए की शराब चोरी कर ले गए। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके में तोड़फोड़ कर चोरी करने का यह पहला मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। आप देख रहे हैं यह वीडियो, किस तरह चोरों ने शटर तोड़ करके लाखों की कीमती शराब चोरी की है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था और लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने के काम शुरू किए जा रहे हैं। नोएडा के कस्बे और देहातों में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। बिलासपुर, तनकौर सहित कई कस्बों में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है। आप देख रहे हैं वीडियो में, एकदम बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स के द्रुत कार्य बल के आने से क्षेत्र भर के लोग एकदम अपने घरों में कैद हो गए हैं और बिलासपुर कस्बे में फ्लैग मार्च किया है रैपिड एक्शन फोर्स और तनकौर पुलिस ने। वहीं ग्रेटर नोएडा के कुछ गाँव में लोगों ने नाकेबंदी का काम जारी रखा है। यह दृश्य महमूदपुर गुज्जर गांव का है, तनकौर कोतवाली क्षेत्र का गांव है। वहीं तनकौर कस्बे में राशन को लेकर मारामारी मची हुई है। पुलिस सुरक्षा के बीच राशन की दुकानों पर राशन बंटवाया जा रहा है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अधिकारियों ने गुरुवार को दौरा किया है। आप देख रहे थे कोरोना अपडेट और नोएडा की खबरें।
सतीश शर्मा चक्रवर्ती के साथ रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल।